आकाशवाणी जम्मू ऐ बड्डलै खबरें च तुंदा स्वागत। पैहले खास खास खबरें कन्नै में श्रुति खजूरिया। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें आक्खेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर 20 फरवरी गी जम्मू कश्मीर दा दौरा लांगन ते नेकां विकास परियोजनाएं दा उद्घाटन करगन ते केईएं दा नींह पत्थर रखगन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आक्खेआ जे सरकार एह गल्ल यकीनी बनाग जे प्हाड़ी लोकें गी पट्टी दर्ज जनजाति आरक्षण दे फायदे हासल होन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आक्खेआ जे सरकार सैनिकें ते राष्ट्र निर्माण च उन्दे बेशकीमती योगदान दा सम्मान करदी ऐ ते वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी कटरा दिल्ली दे अपने रस्ते च उधमपुर ते कठुआ भी रूकोग। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें उधमपुर दे श्री कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन थमां दिल्ली लेई रवाना होए। खबरें दी तफसील कन्नै नरेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर मेद है जे 20 फरवरी गी जम्मू च इक जनसभा गी संबोधित करगन ते खित्ते च नेकां विकास परियोजनाएं दा उद्घाटन करगन ते केईएं दा नींह पत्थर रखगन। केन्द्री मंत्री ते उधमपुर कठुआ डोडा हल्के थमां सांसद डॉ जितेन्द्र सिंह होरें साढ़े संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई यह जानकारी दित्ती है। इस बात के लिए मुझे आभार प्रकट करना है कि हमारी बड़ी इच्छा थी कि मोदी जी का यहाँ का एक दौरा रहे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, और 20 फरवरी को उनका ऐसा कार्यक्रम बना है। उसके दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, उसकी लॉन्चिंग का भी रहेगा और एक जनसभा भी जम्मू में उनके द्वारा संबोधित की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें कल राजभवन जम्मू च पहाड़ी समुदाय दे 120 सदस्यें दे प्रतिनिधिमंडल कन्नै मलाटी कीती। उपराज्यपाल होरें केन्द्र शासित प्रदेश दे प्रशासन दी पहाड़ी पाटरी कोली ते गद्दा ब्राह्मणें गी इस्सै बरे दौरान पट्टी दर्ज जनजाति आरक्षण दे फायदे पुजाने ते उनेंगी कबीला योजना स्कीमै च शामल करने गी यकीनी बनाने दी वचनबद्धता प्रगट कीती। प्रमुख पहाड़ी लीडरें गुजर बकरवाल ते होरने सूचीबद्ध कबीले दे हितें दी रक्षा करदे होई पहाड़ी समुदाय गी सशक्त करने लई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदा दिली धन्नवाद कीता। उपराज्यपाल होरें पट्टी दर्ज जातियें कन्नै सरबंध रखने आले साबका विधायकें दे प्रतिनिधिमंडल कन्नै भी मलाटी कीती, जिनें उपराज्यपाल होरें गी पट्टी दर्ज जातियें दे भलाई बेहतरी सरबंधी बक्ख बक्ख मसलें बारै अवगत करोआया। इनें मसलें च तरक्कियें च आरक्षण, कश्मीर च तैनात जम्मू दे पट्टी दर्ज कर्मचारियें आस्तै व्यापक तबादला नीति, आरक्षण कोटे च बढ़ोतरी ते जम्मू कश्मीर च पट्टी दर्ज जातियें आस्तै लोकसभा दी इक सीट आरक्षित करना भी शामल हा। उपराज्यपाल होरें साबका विधायकें गी इनें मसलें पर मुनासब गौर करने दा भरोसा दोआया। उपराज्यपाल होरें ओबीसी समाज दे डेलीगेशन कन्नै भी मलाटी कीती। प्रतिनिधिमंडल नै मुकामी शहरी निकायें ते पंचायतें च आरक्षण देने आस्तै प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते यूटी प्रशासन दा धन्नवाद कीता। एह पहली बारी ऐ जे होरने पिछड़े दे वर्गें गी मुंडले लोकतांत्रिक इदारें च आरक्षण हासल होआ ऐ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें अपनी जन्मस्थली ओडिशा दे राय रंगपुर थमां राष्ट्रपति भवन तक करदी अपनी यात्रा दी कहानी केन्द्री महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हुंदे कन्नै खास गल्लबात नई सोच नई कहानी ए रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी हुंदे कन्नै समापन कड़ी च सांझी कीती। राष्ट्रपति होरें इक घंटे दे इस कार्यक्रम च बचपन थमां लेइयै सार्वजनिक जीवन तक्कर दे अपने केई सारे अनुभव सांझे कीते। राष्ट्रपति होरें अपने स्कूल दे इक अध्यापक आसेआ नां रखने कन्नै जुड़ी दी कहानी भी सुनाई। राष्ट्रपति होरें अपनी शिक्षा, दीक्षा, नौकरी ते राजनीतिक सफर गी भी चेता करवाया। उनें राष्ट्रपति दे तौर पर लोकें कन्नै मिलने जुलने दे अपने अनुभव सांझे कीते।
राष्ट्रपति मुर्मू होरें इस कार्यक्रम च ऐसी यादें गी भी सांझा कीता जेदे च उनें दस्सेया जे आम साधारण जनजाति महिला दे रूपै च उनेंगी किस चाली दी मुश्कलें दा सामना करना पिया ते उनें अपनी दृढ़ता समर्पण ते लगन कन्नै मुल्खै दी सेवा दे लक्ष्य गी हासल कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें सैनिकें दे योगदान गी बनाई रखने दी सरकार दा कर्तव्य दस्सेया ते आक्खेया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदी अगुवाई च अस सैनिकें दी बहादुरी ते उंदे बलिदान दा सम्मान करै करने आं। उनें आक्खेया जे सरकार हथियारबंद बलें गी आधुनिक हथियारें कन्नै लैस करै करदी ऐ ते शूरवीरें गी बनकदी श्रद्धांजलि देने आस्तै नमीं दिल्ली च राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दा निर्माण कीता गया है। मंत्री होर देहरादून च मुल्खै दे पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ सुर्गवासी जनरल विपिन रावत हुंदी प्रतिमा थमां पर्दा गोआड़ने मगरा किट्ठे गी संबोधित करा करदे हे। मंत्री होरें जनरल रावत हुंदी प्रतिमा उप्पर पुष्पांजलि भेंट कीती ते उनेंगी इक बहादुर सैनिक ते बेहतरीन इंसान गलाया जेड़े अगली पीढ़ियें आस्तै हमेशा प्रेरणा दा स्रोत बनी रहौंगन। व्हाइट नाइट कोर दे जीओसी होरें समुदायिक गतिविधियें बारै सेना दी वचनबद्धता फी पक्की कीती ऐ। उनें शांति ते स्थिरता गी मजबूत करने आस्तै राजौरी पुंछ दा दौरा लाया ते लोकें ते सुरक्षा बलें बश्कार आपसी साथ सहयोग गी बढ़ावा देने पर जोर भरेया। इस दौरान उनें पीर टोपा पंगाई ते आले दुआले दे ग्राएं दे लोकें दे मसले सुने ते सेना ते सिविल इंतजामिया पासेया उन्दे हल दा भरोसा दोआया। सेना ने अग्निवीर आस्तै युवाएं दी भर्थी करने लई ऑनलाइन संयुक्त दाखला इम्तिहान आस्तै ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कीता ऐ। कुवारे योग्य मेदवार 13 थमां 22 फरवरी तोड़ी अधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तां दे सकदे न। मेदवारें गी बचौलियें थमां दूर रौहने दी सलाह भी दित्ती गई ऐ। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुना करदे ओ। बाकी दियें खबरें कन्नै श्रुति खजूरिया। केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें रेलवे अधिकारियें ते उधमपुर दे मुकामी लोकें दी मौजूदगी च उधमपुर दे शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन थमां वंदे भारत रेलगड्डी गी झंडी दस्सियै रवाना कीता ते ओदे रुकने दी थाहर दा उद्घाटन कीता। डॉ जितेन्द्र सिंह होर इस्सै रेलगड्डी च बेहियै उधमपुर थमां दिल्ली लेई रवाना होई गे। एदे थमां पहले साढ़े संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई डॉ जितेन्द्र सिंह होरें आक्खेया, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का। आपको स्मरण होगा 2014 में उन्होंने अपना चुनावी अभियान भी यहीं से प्रारंभ किया था, माता वैष्णो देवी के दर्शन करके। फिर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम रहा वो भी कटरा वैष्णो देवी के रेल स्टेशन का लोकार्पण। उसके उपरांत जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ तो कटरा वैष्णो देवी दिल्ली रूट उन आरंभिक रूट्स में थी जहां पर ये ट्रेन प्रारंभ की गई थी। और मुझे लगता है आज भी ये कुछ एक चंद एक ऐसी रूट्स हैं कटरा वैष्णो देवी टू दिल्ली जहां एक नहीं दो दो वंदे भारत हैं। और चूंकि यहां पर मांग चली आ रही थी कि उधमपुर और कठुआ में भी इसका स्टॉपेज होना चाहिए, अक्सर ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि उससे उसकी समय सीमा में फर्क पड़ता है। केन्द्रीय खेड सचिव सुजाता चतुर्वेदी ते मुक्ख सचिव अटल डुल्लू होरें कल कार्यकारी सदा दी बैठक दी सांझी प्रधानता कीती ते 21 थमां 25 फरवरी तोड़ी गुलमर्ग च होने आली स्यालू खेडें दी तैयारियें दा जायजा लैता। इस मौके अधिकारियें गी संबोधित करदे होई केन्द्रीय सचिव होरें खेलो इंडिया स्यालू खेडें दे बक्ख बक्ख पहलुएं आस्तै मुनासिब तालमेल पर जोर पाया। बैठक च खेडें आली थाने दी तैयारी, बुनियादी ढांचे दे निर्माण, खडारियें दे पंजीकरण, मीडिया ते होरने विषयें पर तफसील कन्नै सोच विचार कीता गया। बैठक च बोलदे होई मुक्ख सचिव होरें आक्खेया जे गुलमर्ग भारत दी स्यालू खेडें दा केन्द्र बनियै उभरै करदा ऐ ते असेंगी सब्बने तकनीकी पहलुएं दी पालमा करनी लोड़चदी तां जे इनें खेडें गी पूरी चाली व्यवसायिक बनाया जाई सकै। राहत ते पुनर्वास कमिशनर दे कार्यालय पासेया उपराज्यपाल हुंदे
एसएसएस अभियान तहत नेकां जागरूकता कैंप लाए जा करदे न। इस अभियान दा मकसद योग्य लाभार्थियों दा बक बक सरकारी स्कीमें तहत पंजीकरण करना है। अभियान दे पहले मरहले तहत इस हफ्ते जम्मू कश्मीर बैंक दे सहयोग कन्ने मुठी नगरोटा जगटी ते पुरखू दे विस्थापित कैंप च कार्यक्रम कराए जांगन। एह कैंप 13, 14, 16 ते 17 फरवरी गी बडलै 10:30 बजे थमां संझा 4 बजे तोड़ी लाए जांगन। जम्मू दे डिप्टी कमिशनर होरें मुतलका अफसरें गी एह पक्का करने दे निर्देश जारी कीते जे कैंप च बक्ख बक्ख मैहकमें आसेया स्टाल लाए जान ते सैक्टोरल अधिकारी उत्थे मौजूद रौहन। राहत ते पुनर्वास कमिशनर डॉ अरविंद करवानी होरें सब्भनें योग्य लाभार्थियें गी इनें कैंपें च हिस्सा लैने ते अभियान थमां लाह ठोआने दी अपील कीती। कृषि पैदावार मैहकमे दे प्रिंसिपल सचिव शैलेन्द्र कुमार होरें कल इक बैठक च मैहकमे दियें दोआर सरबंधी स्कीमें दी अमलावरी दा जायजा लैता। बैठक च दोआर सरबंधी बक्ख बक्ख स्कीमें पर तफसील कन्नै चर्चा कीती गई। इनें स्कीमें च समग्र कृषि विकास कार्यक्रम, दोआर उत्पाद, कृषि बुनियादी ढांचा फंड स्कीम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य पदार्थ संस्करण, करसान दोआर कार्ड ते राष्ट्रीय गोकुल मिशन जनेहियां स्कीमां भी शामिल हियां। प्रिंसिपल सचिव होरें इनें स्कीमें दी बेहतर अमलावरी आस्तै बैंक अधिकारियें ते मुतलका अफसरें बश्कार बेहतर तालमेल पर जोर पाया। उनें दौनें खित्तें दे कृषि मैहकमे दी फसल बीमा योजना ते होरनें समाजी ते आर्थिक सशक्तिकरण सरबंधी स्कीमें बारे करसानें गी शिक्षित करने दे निर्देश भी जारी कीते। डोडा दे डिप्टी कमिशनर होरें इक बैठक लाइयै जिले दे साबका फौजियें दे मसले ते समस्याएं गी सुनेया। बैठक दौरान केई सारे मसले गी पुट्टेया गया ते केई प्रस्ताव भी रखे गए, जिन्दे च सरकारी शिक्षा इदारे डोडा क्लाक टावर ते गणपत पुल दा नां जिले दे शहीदें दे नां पर रखने दा शामिल है। डीसी होरें उनेंगी भरोसा दोआया जे सारे जायज मसलें दा हल कीता जा। उनें ईसीएचएस क्लीनिक च मेडिकल सरबंधी माहिरें दी जरूरत दी हल कीता ते होरनें सरबंधी मामलें गी हल करने दा वायदा कीता। संस्कृति सरबंधी मैहकमे दे प्रिंसिपल सचिव सुरेश कुमार गुप्ता होरें पुरातत्व ते अजायबघर मैहकमा जम्मू दे कम्मकाज दा जायजा लैता। प्रधान सचिव होरें जम्मू कश्मीर दी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत बारे लोकें गी जानकार बनाने पर जोर पाया। उनें अधिकारियें पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओ जम्मू कश्मीर दी ऐतिहासिक थाहरें बारे लोकें गी जानकारी उपलब्ध करोआन तां जे आम लोकें गी इन्दे बारे पता लग्गी सकै। अखीर च मुख्य समाचार इक बारी परतियै। केन्द्री मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह होरें आखेआ जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर 20 फरवरी गी जम्मू कश्मीर दा दौरा लांगन ते नेकां विकास परियोजनाएं दा उद्घाटन करगन ते केईएं दा नींह पत्थर रखगन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे सरकार एह गल्ल यकीनी बनाग जे प्हाड़ी लोकें गी पट्टी दर्ज जनजाति आरक्षण दे फायदे हासल होन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आखेआ जे सरकार सैनिकें दा ते राष्ट्र निर्माण च उन्दे बेशकीमती योगदान दा सम्मान करदी ऐ ते वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी कटरा दिल्ली दे अपने रस्ते च उधमपुर ते कठुआ च भी रुकग। एदे कन्नै गै खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त होआ।